हाय गाइस, तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं CSS बैकग्राउंड प्रॉपर्टी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये बैकग्राउंड CSS वाली जो बैकग्राउंड प्रॉपर्टी है, ये समझने के लिए मैंने आपको एक यहाँ पर लेआउट बनाया है। ओके, जो कुछ इस तरीके से दिखता है, जैसे हेडर और चार कॉलम्स है और एक फुटर है। तो ये जो चार कॉलम्स है, इसके पीछे एक कंटेनर है, उसका नाम है कंटेंट एरिया। अब ये सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पर मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देखोगे, देखिए यहाँ पर एक हेडर है जो ये है। ओके, फिर आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे और इसको थोड़ा स्क्रॉल कर देता हूँ। इसके बाद देखिए यहाँ पर कंटेंट एरिया है जो आपको, हाँ ये कंटेंट एरिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, और उसमें चार कॉलम्स डाले हुए हैं मैंने, जैसे 1, 2, 3 और 4। ओके, वो भी वो कैसे डाले, लेआउट कैसे बनाया, क्योंकि वो सारी चीज़ें मैं अभी दिखाने नहीं वाला हूँ इस वीडियो में, बिकॉज़ ये लेआउट पे हमारा वीडियो नहीं है। हमारा ये वीडियो है CSS बैकग्राउंड प्रॉपर्टी पे। तो चलिए आइए देखते हैं। और एक फुटर बनाया है यहाँ पर, तो मैं आपको HTML थोड़ा सा मार्कअप दिखा देता हूँ, जैसे कैसे मैंने लिखा हुआ है। देखिए मैंने div header लिखा है यहाँ पर, div id header, उसके अंदर एक H1 डाला है जिसके वजह से ये आ रहा है। उसके बाद मैंने एक आई डी कंटेनर डाला यहाँ पर, कंटेनर मतलब ही इसका नाम है कंटेंट एरिया, और उसके अंदर चार कॉलम्स डाले, जैसे कॉलम्स के अंदर ड्यू क्लास कॉलम है, और उस ये वाला कॉलम है मेरा, देखिए ये वाला कॉलम है क्लास कॉलम, जिसमें हेडिंग डाला हुआ है और एक पैराग्राफ डाला हुआ है। ठीक है, तो इसी तरीके से सेम कॉलम्स यहाँ पर रिपीट किए मैंने, दो, ये तीसरा और ये मेरा चौथा कॉलम, और ये वाला जो है कंटेंट एरिया कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा है। इसके बाद एक सिंपल फुटर डाला हुआ है, जैसे मैंने ऊपर हेडर डाला है वैसे ही या नीचे फुटर डाला हुआ है। ओके, और इसको मैंने यहाँ पर CSS अप्लाई की हुई है सारे मेरे एलिमेंट्स को, जो हेडर फुटर सारी चीज़ें हैं उसको। तो ध्यान से देखिए, मुझे हेडर में 50 पिक्सल चाहिए थे चारों साइड से, और फुटर में भी सेम 50 पिक्सल चाहिए थे, और सेम टेक्स्ट लाइन सेंटर चाहिए था, इसलिए मैंने ग्रुपिंग सेलेक्टर्स का यहाँ पर इस्तेमाल किया हुआ है। जैसे मैं लास्ट वीडियो में शायद आपको बताया होगा, ग्रुपिंग सेलेक्टर्स में हम लोग ने देखा था क्लासेस हम लोग ग्रुप करके लगा सकते हैं, अगर सिमिलर CSS है तो। ठीक है, तो इस वजह से ये सेंटर भी हो रहा है और पैडिंग भी अप्लाई हो रही है दोनों को, देखिए हेडर को और फुटर को। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा बैकग्राउंड प्रॉपर्टी देखते हैं। ये सारी ऑलरेडी जो CSS लगी हुई है इसके अंदर ही हम लोग देखेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे हेडर में बैकग्राउंड कलर अप्लाई करना है, सिंपल सिर्फ बैकग्राउंड कलर। तो यहाँ पर देखिए बैकग्राउंड के कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखे हुए मैंने, जैसे कलर, इमेज, रिपीट, पोजीशन, URL, अटैचमेंट और साइज़। तो पहले वाला देखते हैं बैकग्राउंड कलर। अभी तक हम लोगों ने देखा था बैकग्राउंड, बैकग्राउंड सिर्फ बैकग्राउंड ही हम लोग लिखते थे, उसका भी कुछ कारण है वो मैं आगे बताऊँगा। लेकिन अभी जैसे आपको सिर्फ सिंगल कलर देना है एक कुछ एलिमेंट को, जैसे हेडर वाला एलिमेंट है मेरा, इसको एक सिंगल बैकग्राउंड कलर देना है, तो आपको लिखना है यहाँ पर बैकग्राउंड हाइफिन कलर, और उसके आगे उसकी वैल्यू देनी है, जो भी आपको वैल्यू आपकी मनपसंद वैल्यू है, जैसे आप कलर पिकर में जाके आप वैल्यू दे सकते हो। तो मैं हेक्सा डेसिमल वाली वैल्यू यूज़ कर रहा हूँ, मुझे याद है वैल्यू, और अब ये रिफ्रेश करूँगा तो देखिए कुछ इस तरीके से ये दिखेगा। इसके बाद फुटर में भी वो अप्लाई होगी, क्योंकि मैंने ग्रुपिंग सिलेक्टर यहाँ पर इस्तेमाल किया हुआ है, जैसे फुटर का भी यहाँ पर आईडी लिखा है और हैश करके सिलेक्टर लिखा हुआ है, और हेडर का भी सिलेक्टर लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो इस वजह से ये CSS दोनों में अप्लाई हो रही है। तो वो बैकग्राउंड कलर सीख गए हम लोग, तो इस तरह से कुछ हम लोग बैकग्राउंड कलर अप्लाई करते हैं CSS में बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी के साथ। ओके, अभी आगे बढ़ेंगे, अभी देखेंगे बैकग्राउंड हाइफन इमेज। तो बैकग्राउंड हाइफन इमेज के लिए हमें एक इमेज की ज़रूरत पड़ेगी, जो है मेरे वेबसाइट के अंदर, माय वेबसाइट में इमेजेस में, और ये फ्लावर वाली इमेज के साथ हम लोग काम करेंगे। ठीक है, तो जैसे मुझे इमेज दिखानी है, ये जो वाइट बैकग्राउंड जो मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर कंटेंट एरिया में, इसके पीछे मुझे एक इमेज दिखानी है। ओके, तो वो इमेज है फ्लावर वाली, तो इसलिए मुझे, मेरे पास प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड हाइफन इमेज। ओके, इसको कॉपी करेंगे और वो कंटेंट एरिया में मुझे दिखानी है। देखिए यहाँ पर ये जो ड्यू आईडी कंटेंट एरिया है, इसके इस पर मुझे ये क्लास पे, ये आईडी पे अप्लाई करना है। तो यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है हैश कंटेंट एरिया, तो इसके अंदर जाके आपको अप्लाई करना है बैकग्राउंड हाइफिन इमेज, और यहाँ पर लिखना है उसका सिंटैक्स, URL यानी उसके URL क्या है, दो कोट्स के अंदर कहाँ पर आपने स्टोर करके रखी है। तो मैंने स्टोर की है मेरे इमेजेस के फोल्डर के अंदर, और उस इमेज का नाम है
फ्लावर डॉट जे पी जी। ओके अभी मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा तो मेरे ख्याल से कुछ मिस्टेक, हाँ यहाँ पर नेम गलत डाल दिया मैंने। अभी देखिए यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये आपकी बैकग्राउंड इमेज आ जाती है, लेकिन यहाँ पर आप कहेंगे कि मैंने एक ही इमेज डाली तो ये बार बार क्यों इतने सारे इमेजेस कैसे आ गए, राइट। तो ये बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी क्या करती है, जैसे ये बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी जो है वो डिफ़ॉल्ट में इसको रिपीट कर देती है, यानी वो रिपीट होते जाती है जहाँ तक आपका ड्यू ख़त्म हो रहा है वहाँ तक। तो इसके लिए यहाँ पर सेमीकोलन देना है, तो ये रिपीट नहीं होना है, मुझे नहीं करना है। ओके उसके लिए और एक प्रॉपर्टी है जो इमेज के साथ ही यूज़ होती है, उसको कहते हैं बैकग्राउंड रिपीट। इसको भी कॉपी करेंगे और इसमें नीचे लिखेंगे बैकग्राउंड रिपीट, इसमें आप लिख सकते हो नो रिपीट सेमीकोलन। रिफ्रेश तो आपको वो जो इमेज रिपीट हो रही थी वो रिपीट नहीं होगी। ये एक हो गया नो रिपीट। दूसरा है हम लोग सिर्फ लिख सकते हैं रिपीट, ओके तो आपकी वो रिपीट होते जाएगी, राइट। वो डिफ़ॉल्ट में भी होती है, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप लिख सकते हो। तीसरी बात है आपको एक्सिस के वाई एक्सिस वाइज, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होते हैं आपको पता है, तो एक्स एक्सिस यानी लेफ्ट से राइट में मेरी इमेज रिपीट होनी चाहिए। अभी मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखिए आपके लेफ़्ट से राइट तक ही इमेज रिपीट होते जाएगी, उसको आपको लिखना है। ऐसा अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको लिखना है रिपीट हाइफिन एक्स, ओके। अगर आपको ऊपर से नीचे चाहिए मुझे रिपीट होनी चाहिए तो मैं यहाँ पर लिखूँगा वाई, तो रिपीट हाइफिन वाई यानी वाई एक्सिस के हिसाब से आप क्या करिए इमेज रिपीट करिए, तो उस हिसाब से ये इमेज रिपीट होते जाएगी। और अगर आपको रिपीट करनी ही नहीं है, सिंपल सी बात है, मुझे रिपीट करनी ही नहीं है तो सिंपल नो रिपीट लिखना है, नो हाइफन रिपीट, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें सॉरी और है पोजीशन। चलो बैकग्राउंड पोजीशन क्या है वो भी देख लेते हैं हम लोग। इसमें जैसे यहाँ पर मैं लिखूँगा मुझे मेरी इमेज जो चाहिए वो टॉप से आनी चाहिए और मुझे लेफ्ट से आनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पर आप दो वैल्यूज डाल सकते हो, जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा तो अभी जो आ रही है वो सेम पोजीशन आ रही है जो डिफ़ॉल्ट में इसी पोजीशन से स्टार्ट होती है, टॉप एंड लेफ्ट, ओके। इसमें दो ये पोजीशन होती है 0 0, वो एक्सिस में इसके बाद बताऊंगा, पहले हम लोग ये सारी चीज़ें देख लेते हैं। इसमें आप वैल्यूज डाल सकते हो टॉप राइट बॉटम और लेफ्ट। जैसे मुझे अगर ये इमेज टॉप राइट में चाहिए तो आपको लिखना है टॉप और यहाँ पर लिखना है राइट, सिंपल रिफ्रेश, ओके। अगर मुझे ये बॉटम राइट से चाहिए तो आपको टॉप के बदले लिखना है बॉटम, ओके तो ये आपकी इमेज बॉटम से आएगी, बॉटम और राइट से आएगी। अगर ये मुझे चारों साइड से सेंटर चाहिए यानी दोनों साइड सब साइड से, तो आपको लिखना है सेंटर और सेंटर, ठीक है। रिफ्रेश। अभी आप कहेंगे कि मैं सिंपल सिंगल सेंटर लिखने से मेरे सेंटर इमेज में नहीं आएंगी क्या, ज़रूर आएंगी। जब भी आप सिंगल वैल्यूज लिखते हो यहाँ पर तो इसके आगे क्या होता है, ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट में सेंटर हो जाता है, ये बात सिर्फ आपको ध्यान में रखना है। तो अभी आप रिफ्रेश करोगे तो भी वो सेंटर ही दिखाई देगी। अगर आप लेफ्ट करोगे, सिर्फ लेफ्ट मुझे रखनी है, तो आपको ये इमेज लेफ्ट में ही आने वाली है, लेकिन डिफ़ॉल्ट में दूसरी जो वैल्यू है वो सेंटर में ही होगी हमेशा, ये सिर्फ आपको ध्यान में रखना है। अभी आप इसमें नंबर वैल्यूज़ भी डाल सकते हो, जैसे 0 0 डिफ़ॉल्ट होता है, ओके। यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा मैं तो देखिए 0 और 0 हमेशा डिफ़ॉल्ट होता है। तो 0 यानी एक्स एक्सिस और ये इसका मतलब है वाई एक्सिस, यानी ये जो है राइट एंड लेफ्ट होता है और ये जो है टॉप एंड बॉटम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये राइट एंड लेफ्ट मैंने बोला तो लेफ्ट से और राइट से मुझे 200 पिक्सल मैंने दे दिया यहाँ पर, तो ये राइट और लेफ्ट के हिसाब से 200 पिक्सल आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये मैंने राइट एंड लेफ्ट की जगह है तो ये लेफ्ट 200 पिक्सल ले रहा है और ये यानी ये एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस के हिसाब से जा रहा है 200 पिक्सल, ओके। ये एक्स एक्सिस लेफ्ट से राइट में जाती है, राइट, तो इसलिए ये 200 पिक्सल जा रहा है। इसको आप माइनस भी कर सकते हो, अगर मैं माइनस 200 करता हूँ तो यह बाहर चले जाएगी, ये भी आप कर सकते हो, इसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये पोजिशनिंग होता है एक्स और वाई एक्सिस, आपको सिर्फ ध्यान में रखना है ये है आपका एक्स और ये आपका वाई। अगर वाई में आपको करना है 100px तो ये आपके वर्टिकली काम करेगी, यानी ऊपर से 100 पिक्सल काम करेगी। देखिए रिफ्रेश करना तो ऊपर से 100%। तो इस तरीके से आप नंबर डाल के भी ये सारी चीज़ें कर सकते हो, तो ये नंबर्स में आप इस तरह से कर सकते हो। अगर मुझे नंबर्स में परफेक्ट सेंटर चाहिए तो मैं क्या करूँ, तो सिंपल सी बात है मैं 50% कर दूँगा। 50% यानी x एक्सिस मेरा 50% होना चाहिए
और मेरा जो y एक्सिस है वो भी 50% होना चाहिए। तो चारों साइड से वो क्या होगा, 50% रहा और होगा, और यहाँ पर सेंटर में आपको दिखाई देगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर सिर्फ एक ही वैल्यू डालता हूँ तो क्या होगा, एक वैल्यू डालने से क्या होता है, दूसरी वैल्यू हमेशा 50% में ही दिखाई देगी, डिफ़ॉल्ट में वो 50% ही होगी। अभी रिफ्रेश करूँगा तो भी वो यहीं पर रहने वाला है। तो ये बात आपको सिर्फ ध्यान में रखनी है। ओके, तो ये होता है बैकग्राउंड पोजिशन प्रॉपर्टी, बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड इमेज। ओके, अभी और एक चीज़ हम लोग ने क्या देखी, बैकग्राउंड कलर देख लिया। ठीक है, तो ये चारों प्रॉपर्टीज़ हम लोग ने देख लिया, लेकिन आप इसको भी बैकग्राउंड कलर दे सकते हो यहाँ पर इसी में, ये वाले बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ बैकग्राउंड हाइफिन कलर, क्योंकि मैं स्पेसिफिक कलर देना चाहता हूँ इसलिए मैं लिख रहा हूँ बैकग्राउंड हाइफिन कलर, और इसको ये वाला कलर दे देते सेमी कोलन, और रिफ्रेश करेंगे तो देखिए कुछ आपका बैकग्राउंड कलर भी अप्लाई करेगा, आपकी पोजिशन भी अप्लाई कर सकता है, ये रिपीट न्यू रिपीट कर सकता है, और इमेज तो ये दिखा ही रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप बैकग्राउंड प्रॉपर्टी के साथ, बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी के साथ ये सारी चीज़ें कर सकते हो। लेकिन एक बात देखिए, यहाँ पर ये चार लाइन इतनी बड़ी बड़ी लिखनी पड़ रही है, तो अगर मैं ये निकाल देता हूँ, अगर ये शॉर्ट में हम लोग लिख सकते हैं क्या, जी ज़रूर लिख सकते हैं। तो वो कैसे लिखते हैं, अभी मैं रिफ्रेश करता हूँ और यही सारी चीज़ हम लोग शॉर्ट हैंड में लिखेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा, देखो ये चारों चीज़ें आप शॉर्ट हैंड में लिख सकते हो, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी कहते हैं इसको, सिर्फ बैकग्राउंड। ओके, तो सिर्फ आपको लिखना है बैकग्राउंड, और उसके बाद आपको लिखना है URL, फिर आपको पाथ देनी है जो ऊपर मैंने दी थी, इमेजेस और flower.jpg। ठीक है, और आगे डालना है सेमी कोलन, ये आपकी पहली प्रॉपर्टी में काम कर रहा हूँ। ओके, ये लिख दिया पहला वाला, रिफ्रेश, देखिए ये रिपीट हो रही है बिकॉज डिफ़ॉल्ट नेचर है उसका रिपीट होना। दूसरी प्रॉपर्टी मुझे करना है नो रिपीट, तो इसके आगे मैं स्पेस दूंगा और लिखूंगा नो रिपीट, सिंपल, रिफ्रेश, तो देखिए ये रिपीट नहीं हुई। इसके बाद पोजीशन अप्लाई करनी है, तो मुझे पोजीशन अप्लाई करनी है दोनों साइड से, मुझे सेंटर चाहिए। ओके, तो मैं 50% 50% कर दूंगा, क्योंकि एक्स एंड वाई एक्सिस 50 होगी तो वो सेंटर होगा, राइट। या फिर आप सेंटर सेंटर भी लिख सकते हो, या फिर सिर्फ सेंटर भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इस तरीके से ये पोजीशन प्रॉपर्टी भी काम करेगी, और ये जो आपका कलर है ये भी आप डाल सकते हो यहाँ पर, और रिफ्रेश कर सकते हो। ठीक है, तो ये होता है शॉर्ट हैंड बैकग्राउंड प्रॉपर्टी। ओके, शॉर्ट में भी आप चारों चीज़ें एक लाइन में लिख सकते हो। चलिए अभी आगे बढ़ेंगे, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसमें बैकग्राउंड अटैचमेंट देखते हैं। बैकग्राउंड अटैचमेंट क्या है, बैकग्राउंड अटैचमेंट का मतलब देखिए, यहाँ इमेज पे आप नोटिस कीजिए, ये स्क्रोल मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, ये ड्यू के साथ स्क्रोल है, वो ऊपर नीचे स्क्रोल हो रहा है, राइट। तो मुझे वो चीज़ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए फिक्स चाहिए, और सिर्फ ये मेरा कंटेंट स्क्रोल होना चाहिए या ऊपर नीचे, तो आप ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर लिखूँगा बैकग्राउंड अटैचमेंट, और मैं लिखूँगा फिक्स्ड। अब रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए ये आपकी इमेज फिक्स इस तरीके से हो जाएगी। देखिए आपका कंटेंट हिल रहा है, लेकिन आपकी इमेज नहीं हिल पाएगी, क्योंकि हम लोगों ने वो बैकग्राउंड में अटैच कर दिए, फिक्स कर दिए उसकी अटैचमेंट। ठीक है, तो इस कुछ ये बैकग्राउंड अटैचमेंट का तरीका है, इस तरीके से कुछ आप कर सकते हो। ओके, इसमें आप और एक चीज़ कर सकते हो, जो एक बड़ी वाली इमेज डाल के मैं बताता हूँ, सेम इसी में, सिर्फ यहाँ पे नाम चेंज करता हूँ, बड़ी वाली इमेज का नाम है BACK, और उसको भी नो रिपीट करना है, सेंटर सेंटर, और बैकग्राउंड मुझे नहीं चाहिए क्योंकि वो बड़ी इमेज है, उससे इसको कुछ कलर से कुछ काम नहीं है। ओके, और इसमें सेंटर नहीं, इसमें टॉप चाहिए मुझे, और वो लेफ्ट से आनी चाहिए, ठीक है, और वो रिपीट नहीं होनी चाहिए, और उसका नाम है BACK JPG। वो दिखाता हूँ मैं आपको, ये वाली वो इमेज है, बड़ी इमेज है, और ये खोल के दिखा दे आपको, देखिए। तो ये इमेज मुझे यहाँ पर व्यू करनी है, अभी मैं रिफ्रेश करूँगा तो देखिए कुछ इस तरीके से आपको वो इफ़ेक्ट नज़र आएगा। बात समझ में आ रही है, आपने शायद वेबसाइट्स पे देखा होगा ये इफ़ेक्ट कैसे डालते हैं, तो ये बैकग्राउंड अटैचमेंट का इफ़ेक्ट है, और इस तरह से आप उसको अप्लाई कर सकते हो। देखिए ये एक लाइन में मैं लिख सकता हूँ, और यहाँ पर बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स करके मैंने दे दिया है, सिंपल। अभी और एक चीज़ मैं दिखाऊंगा यहाँ पर, बैकग्राउंड साइज़, इसमें कुछ चार चीज़ें, चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर मैं दे रहा हूँ, पहले हम लोग इसको अटैचमेंट को निकाल देते हैं, अभी उसका कुछ काम नहीं है मुझे, रिफ्रेश। देखिए अभी ये कंटेंट के साथ घूमने लगी, राइट।
अभी मैं लिख रहा हूँ बैकग्राउंड हाइफ़न साइज, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ कंटेन, और मैं अभी रिफ़्रेश करता हूँ। देखिए ये जितनी इमेज है, यानी ये इमेज है, देखिए 1920 विड्थ है इसकी और 1200 हाइट है। तो 1200 हाइट तो हमारे कंटेनर की तो हाइट 1200 नहीं है, बराबर। लेकिन वो क्या करता है, वो कंटेनर के हाइट के हिसाब से उसकी जो इमेज है वो बैकग्राउंड में रिसाइज कर देता है प्रोपोर्शनली, यानी वो स्ट्रेच नहीं करता, वो प्रॉपरली प्रोपोर्शनली इमेज रिसाइज कर देता है बैकग्राउंड के पीछे, बैकग्राउंड में। तो ये काम करता है कंटेंट। अगर ऐसा कुछ आपको करना है तो आप कंटेंट वैल्यू यूज़ कर सकते हो बैकग्राउंड हाइफन साइज़ में। अगर मुझे ये इमेज कंप्लीट चाहिए, कवर होनी चाहिए, तो सिंपल आपको लिखना है 100%, 100% यहाँ सिंपल आपको लिखना है कवर। अब मैं रिफ़्रेश करूँगा तो देखिए ये आपकी कंप्लीट कवर कर लेगा और इस तरीके से कुछ आपको दिखाई देगा। ओके, तो ये दो वैल्यूज़ होती है, और एक है ऑटो। ऑटो कुछ नहीं है, जैसे वो सिंपल इमेज है वैसे ही दिखने वाली है। जैसे ऑटो इनिशियल इनिशियल इमेज जो होती है उसकी, वो इनिशियल इमेज आपको वो सिर्फ दिखाई देगा। कवर क्या करता है, कवर थोड़ी सी स्ट्रेच कर लेता है, थोड़ा एडजस्ट कर लेता है और पूरा एरिया कवर कर लेता है। देखिए मैं अभी वापस एक बार दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर नज़र नोटिस कीजिए, ये प्रॉपर कवर कर रहा है। देखिए ये पूरी इमेज अच्छे तरीके से आपको कवर करके पैक करके दे देता है, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंसेस है कवर, कंटेन 100% और ऑटो में, और वो आप यूज़ कर सकते हो बैकग्राउंड हाइफन साइज के साथ। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं और ये सारे सीजेस बैकग्राउंड के प्रॉपर्टी वैल्यूज़ है जो आप काम कर सकते हो, और सारी चीज़ें आप इस तरीके से कुछ कर सकते हो। ओके, तो आई होप गाइज ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर कुछ समझ में फिर भी नहीं आ रहा है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, उसका आंसर मैं आपको ज़रूर दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।